हेलो फ्रेंड, मनीष कुमार चंद्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष चंद्रा, आज का टॉपिक है एक एसीडीसी एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट, और इसको ही इन्वर्टर एलईडी बल्ब भी बोलते हैं, और साथ ही साथ में इसको रिचार्जेबल एलईडी बल्ब भी बोलते हैं। ये उसका ड्राइवर सर्किट है। ये हमारा एक ड्राइवर सर्किट है जो कि रिचार्जेबल एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है, जो कि यह 9 वाट और 10 वाट में यूज होता है, और यह सूर्य कंपनी के रिचार्जेबल एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस ड्राइवर सर्किट को डिटेल से बताऊंगा और कैसे काम करता है उसको भी बताऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले इस ड्राइवर सर्किट का कंपोनेंट वैल्यू डाला है, उसको आप देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। और मैंने 7 वाट का भी ड्राइवर सर्किट का कंपोनेंट वैल्यू भी बताया है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं या देख भी सकते हैं। ये हमारा सारे ड्राइवर सर्किट इन्वर्टर एलईडी बल्ब के हैं, और रिपेयर के लिए आया हुआ था, तो मैंने इसको चार को रिपेयर कर लिया है, इस फर्स्ट के चार को रिपेयर कर लिया है, और ये दोनों ड्राइवर सर्किट खराब है, और इसमें टोटल 6 ड्राइवर सर्किट है। सब में सभी कंपोनेंट सेम लगे हैं और सेम वैल्यू के कंपोनेंट लगे हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको इस इन्वर्टर एलईडी बल्ब को असेंबल करके बताऊंगा, कभी मौका मिले नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही आ जाएगा। तो उससे पहले सबसे पहले हम आपको सर्किट के बारे में बता देते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ तीन ड्राइवर सर्किट यूज किया है। ये हमारा ड्राइवर सर्किट ओके है, और ये दोनों ड्राइवर सर्किट में खराब हो गया है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण बल्ब नहीं जल पा रहा है। सबसे पहले इस ड्राइवर सर्किट में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। अगर इस सर्किट की बात करें तो इसमें जो बैटरी का पॉइंट होता है जैक, वो खराब हो गया है, और इसमें दोनों पॉइंट निकल चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें का बैटरी सही कंडीशन में था जब मैं निकाल कर देखा तो, और इसमें बैटरी पॉइंट खराब हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपका इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होता है, जो कि ये 3.7 वोल्ट का होता है, और इसमें 2000 mAh का, 2200 mAh का और 2600 mAh का बैटरी लगा सकते हैं। इसमें पॉइंट है, देख सकते हैं, और यह लिथियम आयन बैटरी है, और डीप साइड में कुछ कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा है, 1 SMPS ट्रांसफार्मर कॉइल, और 2 AMOB लगा है, जिसको हम बैरिस्टर बोलते हैं, जो हाई वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है, और 2 PF कैपेसिटर लगा है, और 1 डम इंडक्टर लगा है, और 1 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा है। मैं आप इस सभी वैल्यू का, कंपोनेंट वैल्यू का, मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है, वहां से जाके देख सकते हैं।
ये हमारा बैक साइड में कुछ SMD कंपोनेंट है, उसका भी वैल्यू मैंने डाला है वीडियो। बैक साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस सर्किट में बस बैटरी का पॉइंट खराब हुआ था, जो कि इस बैटरी का पॉइंट का जैक उखड़ गया है। देखो इसका टेक उखड़ गया है और इसका जैक भी पूरा निकल चुका है। अगर मेरे पास स्पेयर पार्ट होता तो मैं इसको रिपेयर कर लेता, लेकिन अगर मेरे पास आ जाएगा तो इसको रिपेयर करके बताऊंगा। ये हमारा दूसरा सर्किट है जिसमें SMD साइड में पूरा कंपोनेंट खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा काला हो गया है। डीप साइड में भी कुछ कुछ कंपोनेंट काला हो चुके हैं, देखो थोड़ा थोड़ा जल चुका है। आप इसका SMD साइड में देखते हैं, ये पूरा जल के राख हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरा ही YouTube चैनल में इसका इस ड्राइवर सर्किट का कंपोनेंट वैल्यू को जाके देख सकते हैं, उसके साथ कंपोनेंट को लगा सकते हैं। आपको इस कंपोनेंट वैल्यू पता नहीं कौन सा किस वैल्यू को लगा है, और मैं आपको एक जो ड्राइवर सर्किट सही है उसका सर्किट टेबल बता देता हूँ। इसमें सभी कंपोनेंट सही है, आप देख सकते हैं इसका अच्छा तरह से है। आप इस सर्किट को देख सकते हैं, पूरा कंपोनेंट जल गए हैं। मैंने पहले ही इस कंपोनेंट के बारे में पूरा वैल्यू के साथ वीडियो अपलोड किया है, वहां से जाके देख सकते हैं। ये दोनों सर्किट हमारा खराब हो चुका है, इसका रिपेयर का वीडियो भी आ जाएगा अगर कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएगा तो। इसका जैक को मैं रिपेयर कर लूँगा। और यहाँ से हमारा AC-DC मतलब AC सप्लाई देते हैं, लाइन और न्यूट्रल, कई लोग फेस न्यूट्रल भी बोलते हैं। 230 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं। उसके बाद आउटपुट में 3 वायर निकले हैं, एक बैटरी का पॉइंट हो गया, एक डायरेक्ट का पॉइंट हो गया, जो बीच का कॉमन है वो माइनस का पॉइंट है, और दोनों साइड साइड का है वो प्लस का पॉइंट है। जो रेड वायर है वो बैटरी का प्लस पॉइंट है से जलता है, और जो वाइट वायर है वो डायरेक्ट सप्लाई से जलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचा ले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड उसको शेयर करें, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा यूट्यूब पर।